हेलो स्टूडेंट, टुडे आई रीड साइंस क्लास एट्थ। आई रीड लेसन फर्स्ट ऑलरेडी। टुडे आई रीड लेसन सेकेंड। इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवाणु। फ्रेंड्स दोस्त एंड फो दुश्मन अर्थात सूक्ष्म जीवाणु हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। सम ऑर्गेनिज्म आर बिग लाइक के व्हेल एंड सम आर स्मॉल लाइक एन एंट। सभी जीवित प्राणी आकार में साइजेस में अलग अलग होते हैं। कुछ बहुत बड़े व्हेल की तरह और कुछ बहुत छोटे एंट की तरह होते हैं। बट सम ऑर्गेनिज्म आर सो टिनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। लेकिन कुछ जीवाणु इतने छोटे होते हैं जिनको हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीवाणुओं को हम सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं। जैसे ग्रीक माइक्रोब्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ग्रीक भाषा में माइक्रोब्स का मतलब है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवाणु। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ऐसे प्राणी एक यंत्र के द्वारा देखे जाते हैं जिसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो वैज्ञानिक जो माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला टॉपिक आता है हैबिटेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवाणुओं का वास स्थान क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। इन एयर हवा में, इन वाटर पानी में, इन सॉइल मिट्टी में, डेजर्ट रेगिस्तान में, मार्सी लैंड गीली जगह पर, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, यहाँ तक कि शरीर के अंदर, पोलर रीजन ध्रुव प्रदेशों में। दे आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवित प्राणियों के शरीर में भी उपस्थित होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल एग्जैक्टिंग द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस वाई फॉर्मिंग हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। सूक्ष्म जीवाणुओं में ऐसी शक्ति पाई जाती है जो बहुत अधिक टेम्परेचर पर या शुष्क मौसम में भी हार्ड आउटर कवरिंग के कारण अपने आप को रख पाते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दे कम आउट ऑफ देयर सिस्ट। जब दशाएं अनुकूलित आ जाती हैं, मौसम अनुकूल हो जाता है, तो ये अपना सिस्ट उतार देते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देयर लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इस तरह से। अगला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेल्युलर सच एज ए बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। दे मे बी मल्टीसेल्युलर सच एज ए फंजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे फंगी। सम कैन लिव अलोन, उनमें से कुछ अकेले रह सकते हैं जैसे अमीबा। वाइल अदर्स ऑकर इन ग्रुप, जबकि कुछ समूह में कॉलोनी में रहते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ह्यूमन लाइफ। सूक्ष्म जीवाणु मनुष्य के शरीर में एक मुख्य रोल प्ले करता है। मैनी ऑफ देम आर
beneficial as we depend on them many things. कई उनमें से लाभदायक होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत काम में आते हैं, मनुष्य उनसे कई चीज़ें बनाता है. ऑन द अदर हैंड, जबकि इसके विपरीत कुछ बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक होते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज आर एज फॉलो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्य 5 समूहों में बांटा जाता है. नंबर 1 बैक्टीरिया, ये सिंगुलर, इनको बैक्टीरियम कहते हैं. फंगी, सिंगुलर में फंगस कहलाता है. प्रोटोजोआ, इसका सिंगुलर प्रोटोजोआंस होता है. एल्गा, इसको सिंगुलर में एल्गा बोलते हैं. वायरसेस, ये वायरस, जैसे कि इस पिक्चर में बहुत से जंतु दिखाए गए हैं. अगला टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीवाणु और हम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स. सूक्ष्म जीवाणु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है. बेस्ड इन देयर बिहेवियर दीज कैन बी डिवाइडेड इन टू 2 क्लासेस. सूक्ष्म जीवाणुओं के व्यवहार के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे मित्रवर सूक्ष्म जीवाणु. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे दुश्मन हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु. वी विल स्टडी द यूजेज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल. अब हम कुछ हानिकारक प्रभाव जो सूक्ष्म जीवाणुओं के हमारे शरीर पर पड़ते हैं उनको पढ़ते हैं. बैक्टीरिया हैबिटेट, इसका वास स्थान कहाँ है. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ. बैक्टीरिया, यह बहुत एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं. दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड अ बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं. दे डिफर इन देयर शेप एंड साइज, ये शेप और साइज में अलग अलग होते हैं. साइज, द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 1.25 माइक्रोन इन डायमीटर. बैक्टीरिया का आकार लगभग 1.25 माइक्रोन का होता है. द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर एन अबाउट 0.15 माइक्रोन इन डायमीटर. सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है उसका आकार 0.15 माइक्रोन से लेकर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बैक्टीरिया का जो आकार है वो 15 माइक्रोन की लंबाई में होता है. 1.5 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है. इसका बैक्टीरिया का शेप क्या होता है. द बैक्टीरियल सेल्स आर डिफरेंट शेप्स सच एज ए रॉड शेप, स्पाइरिकल शेप, स्पाइरल. बैक्टीरिया का आकार रॉड के आकार का होता है, स्पाइरल होता है और स्पाइरिकल होता है. लैक्टोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास आर रॉड शेप्ड. स्टेटो कोकस एंड माइक्रोकोकस आर स्पाइरिकल, वाइल विब्रो इन स्पाइरल इन शेप. ये बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हैं. स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद ए सिंगल वाल साइटोप्लाज्म. बैक्टीरिया का सेल वाल और साइटोप्लाज्म एक कोशिकीय होता है. देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस का आकार निश्चित नहीं होता है. बट न्यूक्लियर मटेरियल इन प्रेजेंट, लेकिन इसमें न्यूक्लियस मटेरियल प्रेजेंट होता है. दे कैन एग्जिट इन चेन ग्रुप सेल्स, ये प्रायः एक चेन श्रृंखला में या ग्रुप ऑफ सेल्स में भी पाए जाते हैं. सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लाइफ आर एब्जॉर्ब थ्रू द सेल्स, इनमें इनके जीवन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, जैसे सेल वाल. अनवांटेड सब्सटेंस आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द सेम रूट, उसी रास्ते से जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है. अगला आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया का
ग्रोथ वृद्धि प्रजनन कैसे होता है। बैक्टीरिया रिक्वायर मोस्ट एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस देयर ग्रोथ। बैक्टीरिया को प्रजनन करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर आवश्यक होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट वेरी फास्ट रेट लाइक द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया अधिकांशतः कॉमन मोड से रिप्रोडक्शन करता है और ये बाइनरी फिशन कहलाता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरिया पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है दो भागों में और प्रत्येक डॉटर सेल्स भी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। अब आता है टॉपिक न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का पोषण क्या होता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। ऑटोट्रॉप अर्थात स्वपोषी, वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर डिपेंड रहते हैं। द हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर मेन कार्बन सोर्स। वे विभिन्न सोर्स से खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे मे बी सेप्रोफाइट पैरासाइटिक, वे परजीवी भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। ये आप रीडिंग लगाएं और अध्ययन करें घर पे। थैंक यू।